हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माय टाइनी स्पेस। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में हम वीडियोस बनाते हैं जर्मनी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशनल और कुछ ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस। तो ड्यूरिंग अवर यूट्यूब जर्नी हमें इस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं कि अगर किसी को जर्मनी में आना है, यहाँ के रहना है, जॉब करनी है या स्टडीज़ करनी है, तो उन्हें कितनी जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। तो आज के हमारे इस ब्लॉग में हम इसी बारे में बात करेंगे कि जर्मनी में आने के लिए, यहाँ स्टडीज़ के लिए या वीज़ा के लिए या यहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको कितनी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस करें अगर आपको हमारे वीडियोज़ के नए अपडेट्स चाहिए। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। फ्रेंड्स, जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट के बारे में जानने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम शॉर्ट में ये जान लें कि जर्मन लैंग्वेज के क्या क्या लेवल्स होते हैं। तो यूरोपियन लैंग्वेज फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस के 6 लेवल्स होते हैं, A1, A2, B1, B2 एंड C1, C2। उसी तरह जर्मन लैंग्वेज के भी यही 6 लेवल्स हैं। तो A1, A2 जो लेवल्स हैं वो हैं आपके बेसिक लेवल्स। तो इस लेवल में आप कवर करते हैं कि आपको किसी को जर्मन में ग्रीट कैसे करना है, रेस्टोरेंट्स में आपको ऑर्डर कैसे करना है, या कोई अपॉइंटमेंट फ़ोन पे कैसे लेनी है, काउंटिंग कैसे करते हैं। तो इट्स अ वेरी, जिसे बोलते हैं, बड़े बेसिक लेवल्स हैं A1 और A2। तो और B1 और B2 को बोला जाता है इंटरमीडिएट लेवल। B1 जो है वो एक तरह से बोला जाता है फर्स्ट लेवल, जब आप जर्मन लैंग्वेज के साथ रियली में यूज टू होते हैं। B1 लेवल में आप नॉर्मल कन्वर्सेशंस कर सकते हैं, बिना इंग्लिश में शिफ्ट हुए आप नॉर्मल लाइफ काफ़ी अपनी आराम से जर्मनी में स्पेंड कर सकते हैं विद B1 लेवल। और इसके बाद जो आता है लेवल, वो है B2, जिसे कि कहा जाता है कि जर्मन का फर्स्ट चैलेंजिंग लेवल है। B2 लेवल अगर आपका है तो आप जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने इंटरव्यूज़ जर्मन में दे सकते हैं। आप अपनी जॉब्स में प्रोफेशनली भी जर्मन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जर्मन मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं। तो ये B2 लेवल होता है। इसके बाद जो लेवल आते हैं वो हैं C1 और C2, जो कि एडवांस लेवल होते हैं। दैट मीन्स कि C1 अगर आपका लेवल है तो आप जर्मन में स्टडीज़ कर सकते हैं, आप जर्मन में बुक्स पढ़ सकते हैं और आप जर्मन लैंग्वेज में काफ़ी, मतलब, क्लोज टू फ्लुएंट हो जाते हैं। और C2 लेवल के बारे में तो अब मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि C2 लेवल है कि आप एक तरह से लिटरेचर भी जर्मन में पढ़ सकते हैं, आप एक तरह से नेटिव के काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। नेटिव तो शायद कोई कभी भी ना हो पाए, बट C2 लेवल में आप एक तरह से ऑलमोस्ट नेटिव लेवल पर जर्मन बोलते हैं। तो ये थे जर्मन लैंग्वेज के 6 लेवल्स। तो इसके बाद फर्स्ट सेक्शन में हम बात करते हैं कि आपको अगर जर्मनी में स्टडीज़ के लिए आना है तो आपको कितनी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। जर्मनी में अगर आपको स्टडीज़ के लिए आना है तो इसके लिए रिक्वायरमेंट समझना काफ़ी सिंपल है। जैसे कि अगर आपकी स्टडीज़, चाहे वो बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, इंग्लिश में है तो आपको जर्मन लैंग्वेज की ऑफिशियली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ना स्टूडेंट वीज़ा के लिए, ना ही एडमिशन्स के लिए। बट अगर आपकी स्टडीज़ जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज में है, मतलब अगर आप यहाँ आए और जर्मन लैंग्वेज में ही कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो टेस्ट डाफ, यहाँ का जो ऑफिशियल टेस्ट है, या फिर लेवल्स की बात करें तो गोएथे का C1 या टेल्क का C1, तो C1 लेवल आपको जर्मन में स्टडीज़ के लिए रिक्वायर्ड है। वैसे तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, बट जनरली 99% ऑफ केसेस में आपको C1 लेवल रिक्वायर्ड होगा अगर आपकी स्टडीज़ जर्मन में है। वहीं अगर हम बैचलर्स में, एक जो प्रोग्राम होता है स्टूडियम कलीग, जिसमें आपको यहाँ आके भी जर्मन पढ़ाई जाती है, अगर आपको उसमें भी एडमिशन लेना है तो स्टूडियम कलीग के लिए आपको B1 लेवल की रिक्वायरमेंट रहती है। बट ऐसा जनरली लोगों के एक्सपीरियंस में कहा गया है कि अगर स्टूडियम कलीग के लिए भी अगर आप पहले से B2 कर लेते हैं तो आपको वो सक्सेसफुली क्लियर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, ये था स्टडीज़ के केसेस में आपको कितनी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं कि जनरली वीज़ास के लिए आपको कितनी जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। तो वीज़ास के केस में बात करें तो सिर्फ 2 तरह के ऐसे वीज़ास हैं जिसमें आपको ऑफिशियली जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे कॉमन, एक सबसे फेमस वीज़ा है, वो है फैमिली रियूनियन वीज़ा, या जिसे हम स्पाउस वीज़ा भी बोलते हैं। जब आप अपने स्पाउस को जर्मनी में ज्वाइन करने आते हैं, जो पहले से जर्मनी में रह रहे होते हैं, तो उस केस में जनरली आपको A1 लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहती है। सिर्फ एक केस, अगर आपके स्पाउस के पास ब्लू कार्ड है, उस केस में आप एग्जेम्प्टेड हैं इस रिक्वायरमेंट से, आपको A1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ता एम्बेसी या कॉन्सुलेट में। बस यही एक केस है जिसमें आपको अगर स्पाउस वीज़ा पे आना है तो आपको A1 का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अदरवाइज़ आपको A1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप स्पाउस वीज़ा पे आना चाहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ वीज़ा है आउ पेयर वीज़ा, जो होता है जैसे चाइल्ड केयर के लिए या आप एज ए नैनी यहाँ पे जॉब करने के लिए आना चाहते हैं, तो उस केस में आपको B1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए। इन 2 वीज़ास के अलावा कोई भी दूसरे वीज़ास हैं, जैसे जॉब सीकर वीज़ा हुआ, वर्क परमिट हुआ, तो उस केस में आपको ऑफिशियली
लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ऐसा रिकमेंडेड कहा जाता है कि अगर आप जर्मनी में आए तो डेफिनेटली कुछ बेसिक लेवल की लैंग्वेज पक्का सीख के आए, बट ऑफिशियली ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो फ्रेंड्स, स्टडीज़ और वीज़ाज़ के बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो एक काफ़ी कॉमनली पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारे से और लोगों के मन में रहता है कि जॉब सेक्टर में कितनी जर्मन की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स, ये जो रिक्वायरमेंट है जॉब सेक्टर की, ये काफ़ी सेक्टर टू सेक्टर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करती है। तो हमारे सेक्शन में हम यही बात करेंगे कि किस सेक्टर में जनरली जर्मन की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं नर्सिंग या मेडिकल सेक्टर की। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो इस केस में आप विदाउट जर्मन लैंग्वेज जॉब लेना काफ़ी टफ है, या नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि पॉसिबल ही नहीं है कि विदाउट जर्मन लैंग्वेज आप नर्सिंग या मेडिकल सेक्टर में एज अ डॉक्टर जॉब लें। ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि वो कितना लेवल आप उनको चाहिए अगर आप इन नर्सिंग और मेडिकल सेक्टर में जॉब लेना चाहते हैं। बट जनरली B1 लेवल है जो रिकमेंडेड है, कुछ स्टेट्स में B2 भी है। तो B1 या B2 जो लेवल है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है नर्सिंग या मेडिकल सेक्टर में। सेकंड बात करते हैं उस सेक्टर की जिस केस में काफ़ी इंडियंस एलिजिबल होते हैं या काफ़ी इंडियंस जिस सेक्टर में आना चाहते हैं, वो है IT। तो IT में भी डिफरेंट तरह की फील्ड्स होती हैं, सब सेक्टर्स होते हैं। तो अगर हम जैसे प्रोग्रामिंग कोर प्रोग्रामिंग रिलेटेड जॉब्स की बात करें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, गेमिंग है, तो इस केसेस में आपकी जो जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम है। बिकॉज जनरली इस केस में आप एक तरह से कोर प्रोग्रामिंग में डील करते हैं, क्लाइंट कॉन्टैक्ट्स कम होते हैं। तो ये केस है जिसमें अगर आपका जर्मन लेवल कम भी है या आपको बिल्कुल भी जर्मन नहीं आती बट आपको अपनी स्किल्स पे कॉन्फिडेंस है, तो आप विदाउट जर्मन लैंग्वेज भी अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी चांसेस हैं भी कि आपको एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल्स आ जाएं और आपको जर्मनी में जॉब भी आप लैंड करने में सक्सेसफुल हों। बट वहीं IT की दूसरी फील्ड्स की बात करें, जैसे क्लासिक कंसल्टिंग हुई या बिजनेस एनालिसिस के जॉब्स हुए, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी जॉब्स हुए जैसे टेस्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन केसेस में आपको लैंग्वेज की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहेगी। जनरली B1 लेवल जो है वो थोड़ा एक्सेप्टेड माना जाता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा जॉब्स के लिए अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन करना है तो इन केसेस में B1 लेवल एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है कि अगर आपके पास B1 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास B1 से बेटर दैट मीन्स B2 लेवल है, तो आपको काफ़ी सीरियसली कंसिडर किया जाता है एंड आपके एम्प्लॉयर्स जो हैं, आपके रिक्रूटर्स जो हैं, वो कॉन्फिडेंट होंगे कि आप जर्मन लेवल में कंफर्टेबल होंगे। IT के बाद नेक्स्ट सेक्टर जिसकी हम बात करें हैं वो है फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर में भी डिफरेंट टाइप की जॉब्स होती हैं, इंटरनली काफ़ी तरह के सब सेक्टर्स होते हैं। तो अगर हम कॉरपोरेट फाइनेंस की बात करें, एसेट मैनेजमेंट की बात करें, अकाउंटिंग की बात करेंगे, अकाउंटिंग को बुखाल्टुंग कहा जाता है जर्मन में, तो इन केसेस में आपके क्लाइंट कॉन्टैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लोकल क्लाइंट कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो जनरली भी जर्मनी में जो फाइनेंस सेक्टर है उसमें एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि आपको एक लेवल की मिनिमम कुछ लेवल की लैंग्वेज आपको पक्का आनी चाहिए। तो इसमें भी कंडीशन जनरली ये है कि अगर आपको B2 लेवल की जर्मन आती है तो आपको फाइनेंस सेक्टर में जॉब लेने में काफ़ी आसानी होगी और आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं फाइनेंस सेक्टर में। तो फाइनेंस सेक्टर में ऐसा कभी कोई ऑफिशियल रिक्वायरमेंट आपको किसी जॉब पोस्टिंग में नहीं मिलेगी, इवन IT में भी नहीं मिलेगी कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है जर्मन लैंग्वेज की। तो उसमें आपको जब भी आप जॉब पोस्टिंग देखेंगे तो एक वर्ड मिलेगा फर हैंडलुंग शीशर डॉयच, तो इसका मतलब होता है नेगोशिएबल जर्मन। दैट मीन्स कि जनरली इसको हम लूजली इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका B2 या C1 लेवल की जर्मन रिक्वायर्ड होती है ऐसी जॉब्स में। तो जनरली फाइनेंस के इस एरिया में अगर आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो जनरल रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप एटलीस्ट B2 लेवल की जर्मन पहले से सीख लें। बट फाइनेंस की ही कुछ और फील्ड्स भी हैं, जैसे एनालिटिक्स हुई जिसमें क्वांटिटेटिव फाइनेंस आता है, क्वांटिटेटिव मॉडलिंग आती है, रिस्क मॉडलिंग आती है, रिस्क एनालिटिक्स आता है। इसमें ये थोड़ा IT या टेक्निकल फोकस्ड फील्ड्स हैं, इसमें चांसेस रहते हैं कि आपको विदाउट जर्मन या कुछ कम लेवल की जर्मन जैसे A2 या B1 लेवल की जर्मन अगर आपको आती है तब भी आपके अच्छे चांसेस हो सकते हैं जॉब्स के जर्मनी में। जनरली जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है तो फाइनेंस सेक्टर में कुछ मिनिमम लेवल की जर्मन आपको हमेशा रिक्वायर्ड होगी, चाहे किसी भी नेचर का जॉब हो। तो मिनिमम B1 या B2 अगर आपके पास है तो फाइनेंस में जॉब्स की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। नेक्स्ट हम एक और जर्मनी के फेमस जॉब सेक्टर की बात करते हैं, वो है ऑटोमोटिव सेक्टर। ऑटोमोटिव सेक्टर ट्रेडिशनली जर्मनी में काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी लोग इस सेक्टर में जॉब करने के लिए जर्मनी आना चाहते हैं। बट ऑटोमोटिव सेक्टर के डिपार्टमेंट्स में अगर आज भी आप देखेंगे तो काफ़ी ट्रेडिशनल जर्मन कल्चर देखने को मिलता है। तो जहाँ ट्रेडिशनल जर्मन कल्चर होगा वहाँ डेफिनेटली जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। अगर आपकी जॉब का नेचर बैकएंड टाइप की जॉब है, प्रोग्रामिंग रिलेटेड जॉब्स भी होती हैं ऑटोमोटिव सेक्टर में, ऑटोमेशन टेस्टिंग टाइप की जॉब्स होती हैं, फिर भी अच्छे चांसेस हैं कि विदाउट जर्मन लैंग्वेज ऑटोमोटिव सेक्टर में किसी को जॉब मिल जाए।
बट एज अ थंब रूल ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको इस सेक्टर में जॉब लेनी है तो डेफिनेटली आपको अपने चांसेस बढ़ाने के लिए जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। एक और इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, वो है सर्विसेज इंडस्ट्री। तो काफ़ी फ्रेंड्स ने हमसे पूछा है कि अगर एज अ हेयर ड्रेसर आना है या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, जैसे होटल मैनेजमेंट टाइप की जॉब्स बोलते हैं, उसमें आना है तो आपको जर्मन लैंग्वेज की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस केस में आंसर जो है वो मिक्स्ड है कि अगर आपकी, जैसे आपकी शेफ़ की जॉब है जिसमें आपके क्लाइंट कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, आपको बैकग्राउंड में काम करना है, कुक वीज़ा पे आप आए हैं, तो उस केस में ऐसे जर्मन लैंग्वेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपको जैसे एज ए रिसेप्शनिस्ट काम करना है, एज ए हेयर ड्रेसर काम करना है या फिर केटरिंग में काम करना है, तो उस केस में आपका कुछ क्लाइंट कॉन्टैक्ट रहता है। बहुत ज़्यादा हाई लेवल की या एडवांस लेवल की जर्मन आपको नहीं चाहिए, बिकॉज वो एक तरह से रेपिटेटिव सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप यू फाइंड योर सेल्फ इन क्वाइट रेपिटेटिव सिचुएशंस, मैं बोलूँगा। तो उस केस में आपका अगर B1 लेवल है तो मैं बोलूँगा ये काफ़ी एक तरह से अच्छा पॉइंट होगा जिसपे आप जर्मनी में जॉब ले सकते हैं इस इंडस्ट्री में। लास्ट सेक्टर जिसकी हम बात करेंगे वो है सेल्स एंड मार्केटिंग। तो डेफिनेटली सेल्स एंड मार्केटिंग में आपके क्लाइंट कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, तो इस केस में आपको जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट काफ़ी हैवी रहती है, B2 या इवन C1 लेवल। बट अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग टाइप का जॉब है या फिर एक सपोर्ट जॉब है, तो देन अगेन आपकी जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है। पॉसिबली B1 लेवल से भी आप सेल्स एंड मार्केटिंग सेक्टर में जॉब ले सकते हैं। बट अगेन अगर आपको अपने जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है, स्पेशली मार्केटिंग या सेल्स में, तो जर्मन लैंग्वेज एक तरह से नेसेसिटी है। सो फ्रेंड्स, इन सब बातों के बाद समरी में अगर बोलूँ तो जर्मनी में अगर आपको कंफर्टेबली रहना है, लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, तो B1 लैंग्वेज एक तरह से बहुत ज़रूरी है, मस्ट ही बोलते हैं। कि अगर आप जैसे छोटी छोटी अपने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में खुद को फाइंड करते हैं, जैसे कभी ट्रेन स्टेशन पे अनाउंसमेंट्स हों या रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर हो, अपॉइंटमेंट लेनी हो, अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी हो, एक तरह से कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड करनी हो जर्मनी में, तो B1 लेवल मस्ट है। चाहे आप कुछ लेवल जर्मनी में आने से पहले स्टार्ट कर दें सीखना या यहाँ आने के बाद सीखें। इसका प्रूफ इस बात से भी मिलता है कि जर्मनी में PR लेने के लिए और इवन बाद में सिटीजनशिप लेने के लिए आपको B1 लैंग्वेज चाहिए। तो दैट मीन्स कि अगर आपका B1 लैंग्वेज है, आप जर्मनी में रहने के लिए पूरी तरह एलिजिबल हैं, एक तरह से आप कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। बट सेकंड कंडीशन है कि अगर आपको जर्मनी में सिर्फ रहना ही नहीं है, एक तरह से अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अपने लिए ओपन करनी है और जॉब सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज ही ओपन करनी, ग्रो भी करना है, तो उस केस में आपको एटलीस्ट B2 लेवल चाहिए। क्योंकि अगर आपने कुछ साल के बाद डिसाइड किया, अगर आपकी पहली जॉब विदाउट जर्मन आपको मिल जाती है, बट आप कुछ साल के बाद डिसाइड करते हैं कि मुझे बेटर जॉब चाहिए, आप जॉब चेंज करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली आपसे जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट मांगी जाएगी। हो सकता है आपको इंटरव्यू कॉल्स आएँ कि अगर आप जर्मन बोलते हैं तभी हम आपको इंटरव्यू में बुलाएंगे। तो इस केस में आपको एटलीस्ट B2 लेवल आना चाहिए, मस्ट नहीं है बट डेफिनेटली बहुत बेटर रहेगा, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग। आई होप कि ये ब्लॉग यूज़फुल हो और आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए हों कि जर्मनी में आने के लिए कितनी जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हों, जैसे कि मैंने कुछ सेक्टर्स कवर किए बट सारे सेक्टर्स डेफिनेटली एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते, तो किसी और सेक्टर के बारे में आपको जानना हो कि कितनी जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एज यूजुअल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दोज कमेंट्स। और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये हमारे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग रहता है। और इन्हीं बातों के साथ हम आज का ब्लॉग एंड करते हैं। सो बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। बाय बाय।